Hey guys, and assalamu alaikum and welcome to my video. So, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई अपना हार्डकोर वर्ल्ड एंड इसमें हम करने वाले हैं भाई सर्वाइव जितने ज्यादा दिन हम सर्वाइव कर सकते हैं. So, ये चीज स्टार्ट करने के लिए हमारे पास है एक बेम्बू एंड एक क्राफ्टिंग टेबल. So, बेम्बू को ग्रो होने के लिए हम इसे कर देते हैं प्लेस एंड वेट करते हैं इसका. तो बेम्बू ग्रो होने से पहले तब तक मैं अपने आईलैंड को थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ. सो अब बारी आती है आइलैंड को एक्सपेंड करने की. हमारे बेम्बू को ग्रो होने में काफी टाइम चाहिए होगा. सो इस टाइम टेकिंग प्रोसेस के बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ. माइनक्राफ्ट का हमारा दूसरा दिन शुरू हो गया था. सो हमारा बेम्बू फार्म इतना ही एक्सपेंड हो सका. ना फर्स्ट बेम्बू का ब्लॉक बनाने के लिए हमारे पास इनफ बेम्बू कलेक्ट हो चुके थे. तो जल्दी से एक बेम्बू का ब्लॉक बनाते हैं. और वेट करने के बाद मैं अपने बेम्बू का सेकेंड ब्लॉक भी क्राफ्ट कर लेता हूँ. एंड इसी तरह मैं थर्ड ब्लॉक बना के अपने लिए प्लैंक्स बना लेता हूँ. एंड उसके बाद फाइनल हमारी पहली पिकेक्स हमारे हाथ में आती है भाई. एंड विदाउट एनी फर्दर मैं चलता हूँ अपने माइनिंग की तरफ एंड स्टार्ट करता हूँ अपनी माइनिंग. कोबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं अपने लिए फर्नेस बना लेता हूँ एंड अपने फूड को कुक कर लेता हूँ. एंड दोबारा अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं. एंड कुछ ही देर माइनिंग करने के बाद हमें हमारा फर्स्ट कोल मिलता है. A3 स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम बेम्बू कलेक्ट कर लेते हैं एंड अपने लिए कुछ और प्लैंक्स क्राफ्ट कर लेते हैं. एंड बाकी रिमेनिंग बेम्बू से मैं अपना बेम्बू फार्म थोड़ा और एक्सपेंड कर लेता हूँ एंड अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं. एंड इतनी ज़्यादा माइनिंग के बाद हमें हमारा फर्स्ट आयरन ओर मिलता है. एंड कुछ नीचे की तरफ माइनिंग करने के बाद हम पहुंचते हैं एक अंडर वाटर केव में. एंड इधर हमारी वुडन पिकेक्स भी टूट जाती है. एंड इतने में हमारे बाकी के बेम्बू भी ग्रो हो जाते हैं. एंड इसको यूज करने के बजाय हम अपने फार्म को एक्सपेंड करेंगे एंड अपनी पहली आयरन पिकेक्स बना के हम अगेन चलते हैं माइनिंग के लिए. एंड इधर होता है हमारे साथ बहुत बुरा सीन. आई नो ये मेरी गलती थी लेकिन चलो शुक्र है मैं बच गया. सारा पानी ब्लॉक करने के बाद हम अपनी माइनिंग कंटिन्यू करते हैं. एंड कुछ देर और माइनिंग करने के बाद हम पहुंचते हैं एक एनदर केव में जिसमें चेस्ट होते हैं. लेकिन मेरा इरादा बन जाता है भाई के वापस जाने का क्योंकि मैं वेल इनफ तैयार नहीं था. सो विदाउट सोचे समझे मैंने रश करना नहीं था इसलिए मैं वापस चलता हूं अपने बेस की तरफ. एंड बेस पे आते ही मैं देखता हूँ कि हमारा बेम्बू फार्म काफ़ी ग्रो हो चुका था. एंड हमारे हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज का पहला एपिसोड के लिए इतना प्रोग्रेस काफी था. एंड जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना. अल्लाह हाफिज़.